ये देखो दोस्तों, ये भी, और ये देखो, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम जा रहे केती पे। तो आप लोगों को मैं पहले भी केती को दिखा चुका हूँ, तो वो केती पे मकोई भी डाल के रखा है। तो आप लोग को मैं सब चीज़ दिखाऊंगी। मकोई बहुत बड़ा हो गया है मम्मी का डाला वाला। तो अरे रास्ता कहाँ चला गया, तो यहाँ पे रास्ता भी बंद कर दिया है। यहाँ पे जो सीढ़ी डालना था, मगर यहाँ पे सीढ़ी नहीं डाला है, तो अभी हमको यहाँ से पार करना पड़ेगा। हमको अभी पार करना पड़ेगा यहाँ से, ऐसे करके बोलो मरे, यहाँ से उल्टा पार करे, यहाँ से ऐसे पार करना पड़ेगा। तो ये हमारा बगान तो देख सकते हैं यहाँ से। तो ये मेरा भाई है, हम दोनों जा रहे हैं, मम्मी जो घर पे है। तो इस साइड को नहीं जला, ये साइड जो, ये जो खेती नहीं है, जस बागान है, ये जो हम लोग का बागान है, और ये चाचा का है। दोनों का बागान को एक साथ जो खाता गया है, इसका आधा को जला दिया, या इसका जला दिया, मम्मी का अभी तक नहीं जला है। तो वहाँ से दिखाई दे रहे नाखून को। तो ये रास्ता पहले बहुत जंगल था, आपको अभी खाता है तो थोड़ा मतलब कि फ्रेश लग रहा है। दोस्तों मेरा हेयर को कलर किया था, तो थोड़ा डाला है तो बहुत ऐसे बहुत डार्क से आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं बस्ती का नज़ारा। तो बहुत यहाँ से इसका जंगल को खट दिया, तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है यहाँ से देख सकते हैं। तो थोड़ा सा कैमरा जो क्लियर नहीं है, क्योंकि धूप देने से मेरा जो कैमरा थोड़ा क्लियर होता है, अदरवाइज मेरा जो कैमरा जो उतना क्लियर नहीं होता है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों उसके लिए। देख सकते हैं मकई जो बड़ा हो गया, अंदर जाके और भी अच्छे से दिखाऊंगी आप लोगों को। तो पहले ये जो पूरा खाली था, तो अभी देखो साफ करके मम्मी ने पूरा मकई डाला है। तो मकई जो बहुत बड़ा हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाते रहूंगा, बने रहना मेरे चैनल पे। तो आओ, तो ये देखो, देख सकते हैं दोस्तों पूरा मकई जो बड़ा हो गया है। ये मकई का देखो, इसका भी कुछ नाम होते हैं, पर हिंदी ये सब में क्या बोलते हैं हमको पता नहीं है, पर हम लोग यहाँ में इसको पोई बोलते हैं, पोई। तो ये जो निकलने से वो जो मकोई भी निकल जाता है यहाँ यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं मम्मी जो कितना सफा किया, तो देख सकते हैं, देखो एक भी वो नहीं है, कुछ घास वास नहीं है, तो देख सकते हैं। और गाइस ये हमारा नाखून, बहुत महीना का बाद हम भी मिल रहे हैं, आप लोगों को भी दिखाना चाहते हैं। देख सकते हैं ये जो ऐसे बहुत और भी पुराना हो गया है। तो देखो यहाँ पे बैंगन भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं, ये लोकल वाला ऑर्गेनिक। तो यहाँ से भी दिखा दूंगी आप लोगों को। तो ये देखो केती जो पूरा सफा किया है मम्मी ने, इतना सफा कर दिए है। तो देखो घर जो वहाँ से दिखाई दे रही है यहाँ से। तो यहाँ से भी आप लोगों को मैं बस्ती को दिखाऊंगी, ये देखो बस्ती। दोस्तों आज के ये ब्लॉग में आप लोगों को मैं हम सिर्फ ये मम्मी का खेती को बस दिखाना था। तो मकई जो बहुत बड़ा हो गया, ये सबको आप लोगों को दिखाना चाहता था। और ये और कुछ भी दिखाने के लिए होने से आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो देखो गाइस मकई जो निकल रहे हैं, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो दोस्तों ये देखो मकई भी निकल गया है, ये देखो ये पुराना हो जाने से ये जो निकलते हैं, देखो बाल इतना सुंदर से। क्यों तो और भी कुछ दिखाना है तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। तो यहाँ पे ओ अबुन वो दुकान नंग रहे, वहाँ पे सब्जी भी है। अभी हम वो नीचे साइड पे सब्जी भी है, सब्जी भी मैं तोड़ने जा रहे अभी। ये देखो दोस्तों, ये भी लोकल आलू है, पर ये जो अभी खाने लायक नहीं हो गया, ये जो इसको मतलब कि डाल के नया उगाते हैं। तो ये जो पुराना वाला है, इससे जो न्यू नया निकालते उसको खाते हैं, मगर इसको नहीं खाएगा। तो वहाँ पे मेरा बाय जो कि बहुत ये सब दाव ये सब बुक के जा रहे मेरा साथ।
ये देखो दोस्तों, इस साइड जो खाली है इस साइड में मकोई नहीं डाला है, और यहाँ पे भी मम्मी ने अच्छे से साफ नहीं किया है। ये बहुत घास ये सब उठ के रखा है यहाँ पे, और ये इस साइड में पूरा मकोई है, देख सकते हैं मकोई। तो दोस्तों वहाँ पे ओनियन सब्जी है, वहाँ पे दिखाई दे रहा है, अभी हम उसको तोड़ने जा रहे हैं। आओ कैमरा में, ये देखो दोस्तों, ये बहुत ऑर्गेनिक वाला है, इसको सब्जी में डालने से बहुत टेस्टी होता है। तो आप सभी को तो पता ही है हम लोग का, हमारे अरुणाचल वासियों को तो ये जो क्या है ओनियन का टेस्ट को तो पता ही है आप लोगों को, और जो मतलब ओनियन को नहीं पता, ये जो बहुत टेस्टी होते हैं सब्जी में डाल के खाने से भी, इसका क्या बोले स्मेल भी बहुत अच्छे से आता है सब्जी पे डालने से। तो यहाँ पे मेरा पावर बैंक भी हम बुक किए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लाइट जो कम आता है। दोस्तों हम इतना ही तोड़ रहे हैं, क्योंकि जो पूरा को नहीं तोड़ते, जो नरम है उस साइड को सिर्फ लेते हैं, और जो थान है वो साइड थोड़ा सा अजीब होता है, इसीलिए पूरा को नहीं लेते हम, जो नरम है न्यूली जो निकलते है उसको सिर्फ लिए। दोस्तों ये भी सब्जी है, ये जो ओलब सब्जी है, ये भी बहुत टेस्टी होते है खाने से। ये अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, बहुत छोटा है, इसको अभी नहीं तोड़ेगा, ये अभी तक तोड़ने लायक नहीं है, तो हम कुछ और सब्जी ढूंढेगा, इसको नहीं तोड़ेगा, ये जो बहुत छोटा है। ये देखो पपीता पैर, या इसको भी मम्मी ने लगाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कुछ कुछ मम्मी लगाया है, अभी तक बड़ा नहीं हुआ है कुछ भी, बस बहुत लगाए कुछ, क्योंकि घर सामने इसीलिए ये इतना सारा कुछ कुछ लगाए मम्मी। दोस्तों देख सकते हैं इसके, ये जो ये सब्जी में बहुत खाता है, ये पक जाने से ठीक होता है, जब तक नहीं पकेगा बहुत गोपते रहते हैं। देखो हमको भी गोपा ऐसे, इसको अभी हमको निकालना पड़ेगा ऐसे, देखो दिखाई नहीं दे रहे, गिर गया। दोस्तों वहाँ पे बैंगन है, अभी हम उसको भी तोड़ेगा, बैंगन ये देखो, ये एकदम ऑर्गेनिक वाला है, ऑर्गेनिक। यहाँ पे बहुत सारा है बैंगन, तो ये देखो सारा वाला बैंगन सर गया, ये देखो पूरा इसको, और ऐसे सरने लाखों भी उगाते हैं लोग, देखो पर हम नहीं उगाएंगे, ऐसे छोड़ देगा। इसमें बहुत ज्यादा खाता है, देखो नया नया बहुत ज्यादा खाता है। तो दोस्तों अभी धूप भी आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। तो ये देखो यहाँ पे ये जो ओला ये जो क्या बोलते हैं, ये जो तालाब है, लहसुन नहीं ये क्या बोलते हैं, प्याज का जैसे होता है ये जो तालाब जो, इसको हम अभी ऐसे निकाल के घर ले जाएगा, इसको अभी हम निकाल के दिखाएगा आप लोगों को इसको। अयो तो दाव होना पड़ेगा इसके लिए, ये दाव से कोट के निकाल देगा। देखो दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो दिखने में लहसुन जैसे है पर खाने से प्याज जैसे होते हैं, तो ये देखो इसको हम लोग तलब कहते हैं हम लोग का लैंग्वेज पे। तो देखो ऐसे इसको अभी हम घर ले जाके चटनी बना के खाएगा इसको। ये देखो एक लेके जाएगा, ये इसमें बहुत सारा है, इधर उधर भी बहुत सारा है, पर हम इतना सिर्फ लेके जाएगा।
इसको अभी ऐसे बांध के ऐसे बांधते हैं, देखो ऐसे बांध के ऐसे बांधते हैं, ऐसे बांध के यार टोकरी पे डालेगा। तो ये भी एक सब्जी है, तो देखो ये बहुत छोटा छोटा, ये जो बहुत तीता होता है ये देखो ऐसे दिखता है ये बहुत, इसका नाम जो हम लोग क्या बोलते हैं, पत्तावा के कहते हैं इसको हम लोग, पत्तावा के, ये देखो बहुत तीता है जो, पर इसको इसको भी खाना का साथ खाने से बहुत टेस्टी होते हैं, तीता है मगर केरला का जैसे तीता है इसका तीता जो। तो ये देखो कैमरा मैन थोड़ा दिखा दो, ये बहुत सारा है इसमें, ये देखो इतना सारा है छोटा छोटा होके इसमें, देखो इसमें। तो दोस्तों ये सब्जी को भी तोड़ने का तरीका होता है, तो हम अभी अभी आप लोगों को दिखाऊंगे ये सब्जी को कैसे तोड़ा जाता है। ये देखो देखो ये सब्जी जो ऐसे है तो इसको ऐसे करके तोड़ा जाता है, ऐसे करके ऐसे। तो जो नहीं जानते ना ये सब्जी को, जो तोड़ने का तरीका को मालूम नहीं है, वो लोग ऐसे तोड़ा जाते हैं, ऐसे करके तोड़ा जाते हैं, पर असली ऐसे होने तक तोड़ना चाहिए। तो आप लोगों को मैं और अच्छा से दिखाऊंगी, किससे दिखाऊं, हम इतना दिखाना था, इतना ज़्यादा वो सब्जी भी नहीं मिला है इसमें, इतना ज़्यादा कुछ कुछ सब्जी नहीं उगाया है, जितना उगाए वो लोग को हम भाई हम दोनों लिए। तो यहाँ से और एक बार दिखा दूँगी आप लोगों को, ये देखो प्यारा सा नाकुम हम लोगों का रेस्ट करने का जगह। तो मैं आप लोगों को मेरा कैमरामैन को भी दिखाऊंगी मेरा भाई को, ये देखो मेरा हैंडसम भाई, हैंडसम। अभी आप लोगों को मैं नाकुम पे उठ के दिखाऊंगी, ये नाकुम का नज़ारा दिखाऊंगी आप लोगों को, ये देखो क्या क्या है, या इसमें ए वाला दाव भी है और यहाँ पे पानी भी है, पानी कब का होता होगा। ये देखो ये भी लोकल आलू, इसको तो खा सकते हैं, ये जो इसको बॉईल करके खा सकते हैं। यहाँ पे भी है, ये देखो ये जो बहुत छोटा छोटा वाला लोकल आलू है, तो ये जो हली है हली, ये देखो नज़ारा, इतना सारा कुछ सामान है यहाँ पे, क्या क्या सामान रखा है मम्मी ने। तो यहाँ से भी एक बार नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, देखो दोस्तों हमारे अरुणाचल की नहीं। तो गाइस देख सकते हैं हमारी अरुणाचल की सुंदर सुंदर हरियाली, बहुत ग्रीन ग्रीन होके है, इसका हवा भी बहुत फ्रेश है, तो देख सकते हैं इतना सुंदर है। और ये दोस्तों आप लोग क्या क्या सब्जी तोड़ रहे हैं आप लोगों को दिखाऊंगी, उतना तो नहीं तोड़ रहे जितना था उतना तोड़ रहे, ये देखो क्या क्या लिया है, ये देखो ये सब्जी और ये ओनियन और ये वाला सब्जी, देखो ना फ्रेश फ्रेश सब्जी है। और यहाँ पे हमारे पावर बैंक, हर जगह पावर बैंक को साथ में लेके घूमना पड़ता है क्योंकि कभी भी बैटरी डेथ हो सकते हैं। और ये देखो बैंगन जो कि अभी अभी हमने लिया है खेती से, तो इतना ही तोड़ा है, ज़्यादा नहीं तोड़ा है, ज़्यादा तोड़ने के लिए नहीं था सब्जी। गाइस आज का ब्लॉग जो खेती का ब्लॉग था, जब भी आने से मैं आप लोगों को खेती को दिखाती हूँ, आज भी दिखाया। तो गाइस आज का ब्लॉग को हम यहीं पे रखते हैं, बस आप लोगों को मैं खेती का नज़ारा दिखाना था और मेरा मम्मी ने खेती को साफ करके क्या क्या डाला, खेती को साफ करके क्या क्या डाला है उस चीज़ को आप लोगों को दिखाना था। तो आप लोगों को भी मैंने दिखा दिया, मम्मी मकई डाल के रखा है और कुछ कुछ सब्जियाँ डाल के रखा है, और ये मकई को हाथ कटने का बाद ये बात में दान भी लगाऊंगी, उस समय भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो गाइस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर देना, और अगर आप लोगों को कोई आप लोग कोई मेरा चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तो मैंने ये देखो बोटिंग भी दे दिया है, मैंने फर्स्ट टाइम आते समय हम ब्लॉग नहीं बनाया, अभी बना रही हूँ और कल हम लोग यहाँ से निकल रहे। तो आज के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।
Bye.